फोन टेटेरा था और केकरो गरज नहीं थे कि एका उठा ले। हेलो हेलो, अरे कुछ बोलबो के मौन अमावस्या केले बड़ू। जी विजयकांत जी है। तू के बोले तड़ू? जी हम जया बोल रहे हैं। जया का काम बा विजय से? कुछ नहीं, हम बाद में फोन कर लेंगे। अरे जब हम बतियावता नहीं तो बतियाबा ना हमरा से। बता हमरा के का काम बा विजय से। जी जी वो हम बुझ गई नहीं, प्रेम करेलो विजया से? जी वो जी लजावा नहीं, माई समान बानी हम। बोल बबनी। जी विजयकांत जी ने आपको हमारे बारे में बताया नहीं? अच्छा तो तू है बाड़ू? हाँ? इतना दिन कहाँ रह गल रहा? वो टीचर्स ट्रेनिंग के लिए बाहर गए हुए थे, कुछ दिन पहले आए हैं। विजयकांत जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारा। वो कहा है कि बहुत जिम्मेदारी आई गल बा ओकरा ऊपर, घर का सब काम वो तो देखत बा। बतावा का काम बा विजया से? जी जी वो अच्छा अच्छा ठीक बा, वो आई तो हम मैसेज दे दे बस। अच्छा प्रणाम बुआ जी, खुश रहा। अब शुरू हुई कहानी घर घर की, श्रीकांत के मेहरारू अकेले राज कर दिया ऐजा। जया के आवे से ओकर राजपाट छिना जाई। ये जांच की रिपोर्ट्स, कभी पुलिस इंक्वायरी हुई तो उस वक्त ही आपके काम आएगा। वैसे हॉस्पिटल के रिकॉर्ड में ये सब सारे रिपोर्ट्स की एंट्री हो चुकी है, बाकी कुछ हुआ तो इसके लिए हम हैं यहाँ पे। आपका सपोर्ट हम याद रखेंगे डॉक्टर साहब। यहाँ तो आप लोगों की सेवा में ही बैठे हुए हैं। ये तो सौभाग्य की बात है कि विजयकांत बाबू जी का सेवा करने का मौका मिला मुझे। डॉक्टर साहब आपको आपका इनाम मिल जाएगा। जो लोग हमारा साथ देते हैं हम जिंदगी भर उनका ख्याल रखते हैं। अच्छा प्रणाम। मालकिन मेघा बबने के फोन बा। अच्छा हेलो। हाय मॉम हाउ आर यू? एक थप्पड़ लगा तोरा के। आपको थप्पड़ लगाने के लिए यहाँ ऑस्ट्रेलिया आना पड़ेगा। अच्छा ठीक है सॉरी। प्रणाम। खुश रहा। अब परीक्षा कैसन भेल बेटी? बहुत बढ़िया मम्मी, बस एक और पेपर बाकी है और उसके बाद सीधा इंडिया। मैं जब भी घर आने की बात करती हूँ आप ऐसे ही उदास हो जाती हैं। सब कुछ ठीक है ना? ना ना सब ठीक बाड़े। तू कब आ रहल बाड़ू बेटी? कल लास्ट पेपर है, उसके बाद सीधा हम अपने घर, सिर्फ दो दिन बाद। ठीक बा। और सुना अपन ख्याल रखिया। ओके मॉम बाय। किसका फोन था माँ? अरे मेघा की, ऑस्ट्रेलिया से वापस आ रहल बिया। अच्छा कब आ रही है? दो दिन बाद। अच्छा श्री मेघा के बारे में हमेशा बात किया करते थे लेकिन माँ यहाँ कभी उसकी चर्चा नहीं सुनी हमने। दुल्हन यहाँ के माहौल से दूर रखे के वास्ते श्रीकांत और मेघा दोनों को हमें घर से हमेशा दूर रख ली। अब उन लोगों की घर बा हम मना तो ना कर सकेली ना। अकेली लड़की के साथ समुन्दर पार अकेला छोड़ लो तो ना जा सकेला। अब एक बार वो आ जाओ, उसका शादी ब्याह करा दूँ, ससुराल चल जाओ तो चैन के सांस लिया। अच्छा है मेघा आ जाएगी तो मेरा भी वक्त अच्छा गुजरेगा, है ना? ठीक कह बाड़ू दीदी। अरे चाय ठंडी हो जाएगी। लीजिए। कोई दिक्कत तो नहीं है ना बाबा?
इस दरबार में कभी कोई दिक्कत हुआ है क्या? रात से 3-4 बार नाश्ता पानी आ चुका है, खाना भी बन रहा होगा। कब तक ड्यूटी यहाँ? यूँ तो SP साहब जाने कहेंगे तो जिंदगी भर AG ड्यूटी करते रहेंगे। कोतवाली से तो ज़्यादा आराम यहीं है बाबा। विजय तुम अंदर जाओ, आते हैं। ये चार को से पयन को देख के सोच मत जाना, कभी भी कुछ भी हो सकता है। साला चाटियाल सांप है। अरे बंदूक हाथ में ले। राक्षस का वध किए, जैसे उसने फूफा जी को मारा था ना, वैसे उसकी आंतें निकाल के उसको चीर फाड़ के फेंक डाले। कलेजा ठंडा आ गया हमारा, ठंडा आ गया हमारा कलेजा, कलेजा ठंडा आ गया हमारा। आज तो हमारे जिंदगी के लच पूरा केला से जी की आत्मा के आज शांति मिला लोई, आज शांति मिला लोई। तो कहा जाने जब रितेश इतना सारा गोद में रहा वो राजा कैसे बेदर्दी से तोहार फूफा जी के बंद कर देला, मार डाला कैसे एक एक दिन काटले वाली है। आज तू हमार जिंदगी के लक्ष पूरा कर देला बेटा, करे जा ठंडा आ गए ना। अमरकांत के खानदान के तू है सच्चा वारिस है, तू है सच्चा वारिस है। अपन बाप के मौत के बदला नहीं लेलस, बल्कि ये पूरा खानदान के नाक बचौले बाड़ा। अब पूरा महाराजगंज में तुम्हारो हुकूमत चली। ए छुटकी, ए ममता, ए अरे अरे आरती के थार लेके आवा, आज हमारा राजकुमार राक्षस के बंद कर देला सर। हे बबुआ, अब महाराजगंज में तो तुहार हुकूमत चली, पर घरे हुकूमत चलावे वाली लेके आवा ना। मतलब? अरे हाँ, भूला गए नहीं हम, वो फकर फोन आयल रहे। फकर? हाँ। अरे अरे आवा हो। महाराजगंज गोली की आवाज से गुजा देंगे। कौन कहता है? कौन कहता है कि जीजा जी का राज खत्म हो गया? अखबार में लिखा है
हेडलाइन है, महाराजगंज में विजयकांत का एक छत्र राज हो गया है। कुछ छोड़ेंगे तब ना इसका राज होगा। एक एक को कुत्ता के मौत मारेंगे घसीट घसीट के रोड पर। अरे चल चल गाड़ी लोड कर, चल गाड़ी खत्म। पहली गोली हम मारेंगे साले को। ज्यादा लड़क मुरमुरी नहीं दिखाइएगा, नहीं तो आज तुम्हारा कहानी खत्म हो जाएगा वहां। ए किडिया, पहचानता है ना हमको? होश में है कि नहीं तू? पहचानते हैं तभी तो कह रहे हैं, अंधड़ में बगैर कुछ ज्यादा नहीं फुरफुराना चाहिए, नहीं तो वो कहां बिला जाएगा पता भी नहीं चल पाएगा। बाबूजी नहीं है आप तो बचा लेंगे, समझे? विजय खान बहुत पावरफुल आदमी हो चुका है, अब वो पुलिस प्रोटेक्शन है उसके पास, क्या बिगाड़ लेंगे उसका। सब सुन ले बानी, ओकरा उपाय करे खातिर ही हम जा रहल बानी। तू कहाँ जाता रहू? विजय कंतवा के खत्म करे खातिर हथियार लेबे। हथियार? यहाँ हथियार के कमी बा? 47 ग्रेनेड सब तो गोडाउन में पड़ल बा। खाली गोडाउन में हथियार रखे से कोनो फायदा नहीं खे पुतन, ओकरा के चलावे के खातिर मजबूत हाथ के जरूरत होला, और वो मजबूत हाथ एक के इंसान के हा, ओकर नाम हा रजनलाल। रजनलाल? हाँ रजनलाल, तोहर जीजाजी के छोट भाई, दहशत के दूसर नाम। अगर काला नाग भी ओकरा सामने से गुजर जाए ना तो वो अपन रास्ता बदल लेला, और विजय कंतवा और ओकरा खानदान के खत्म करे के वास्ते अब वो है हमार हथियार बनी। जो हमसे मुकाबला कर सके है कोई माइकल लाल? स्टाइल का कुश्ती लड़ते हैं। मंजूर है। Yeah!
सज्जन लाल से कहा कि दुलारी देवी आई है। आज यहाँ की याद कैसे आ गई? काहे ससुराल है ये हमार, यहाँ से नाता कैसे टूटी? नाता तो वही दिन टूट गई रहे, जे ये हमरा के बेइज्जत करके अपना घर से निकाल देने रुआ सब है। ओही से तोहार भैया मरा गई पर झाखो खातिर ना आयला। जब कोनो प्रेमी भाव ना रहे तो रिश्ता निभावला से का फायदा है? खून के रिश्ता इतना जल्दी ना टूटेला और वक्त पड़ला पर खूनी खून के काम आवेला। हम बहुत मन महसूस के रह गए नी, भाई मरा गए हमार, आग ना लगा देती? हमरा के देख रचन, क्रिया खाई हैं हम कि जब तक तोरा भाई के खून के बदला ना ले ले तब तक चैन से ना बैठब। हमरा बारे में ना बाकी अपना भाई के बारे में सोचा, जब तक उनकर हत्यारा के सजा ना मिली, उनकर आत्मा के शांति ना मिली, हमरा के जे कहे के बाद। महाराज गंज वापस कब आए? दो दिन पहले आए हैं और हमेशा के लिए आए हैं, इसीलिए पीसीओ से फोन कर रहे हैं। घर पर फोन भी नहीं लगाया अभी, टाउन स्कूल में टीचर बनकर आए हैं। अच्छा, कांग्रेचुलेशन। सिर्फ फोन पर कांग्रेचुलेशन कहने से नहीं चलेगा, सामने आकर विश करना होगा और वो भी अभी। अरे जया, लेकिन अभी अभी बहुत काम है। दोबारा अगर लेकिन अभी कहा ना तो सीधे घर आ जाऊंगी मैं। दो दिन से तुमसे मिलने के लिए परेशान हूँ और आज जब फोन पर मिले हो तो लेकिन किंतु परंतु कर रहे हो। देखो मुझे तुमसे अभी मिलना है बस, और मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा, बाय। अरे कहीं जा रहे हैं आप अकेले? हम भी आपके साथ चलते हैं। नहीं नहीं, यहीं रहा, भाभी तुम्हारे साथ जाने का जरूरत नहीं। चल अंदर देख, वॉक हो रही है। बाबा, विजय भैया घर से अकेले बाहर गए, हम बोले कि हमको भी साथ लेके चलिए, हमको साथ लेके नहीं गए। बाद में ले विजय, लेट मी हग यू। अरे 6 महीना दिल्ली में कहाँ रह ली, भी भूल गई कि महाराजगंज है, दिल्ली नहीं। दिल्ली में कहाँ कोई मिला गले लगाने के लिए, और आज तुम मिले हो तो भी महाराजगंज में। What a beautiful place। बहुत अंग्रेजी झाड़ने लगी हो। टाउन स्कूल में टीचर बनकर आए हैं, कोई आम लड़की थोड़ी है हम। तुम्हारी बुआ जी हम जैसी बहू को पाकर बहुत खुश हो जाएंगी। तो कहो कब का मुहूर्त निकलवा रहे हो?
हम कुछ और बात करें जया। कुछ और क्यों, शादी की बात कर रहे हैं, साथ में भगाने की तो नहीं कर रहे हैं ना। हमको मालूम था तुम अपनी शादी की बात अपने घर वालों से नहीं करोगे, इसीलिए हमने सोच लिया है कि हम सीधे बुआ जी से ही जाकर बात करेंगे। क्या हुआ, डर गए? विजयकांत किसी से नहीं डरता, ये बात तुम अच्छे से जानती हो। डर तुम जाओगी जब तुमको हमारा असलियत मालूम पड़ेगा। अब असलियत क्या जानना है, प्यार करते हम तुमसे विजय। तो ठीक है जया, पर अब हम वो विजयकांत नहीं रहे जिसको तुम जानती थी। अब हम ये नहीं रहे, वो नहीं रहे, क्या है ये सब? जो तुम हमारे लिए कल थे वही आज भी हो। तो ठीक है जया, पर बात समझने को क्या अंतर आ गया? गन तो तुम अपने पास पहले भी रखते ही थे, अब शायद इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया, यही अंतर आ गया ना? इसका मतलब तुमको सब कुछ मालूम है। जो बात पूरा महाराजगंज जानता है वो क्या हमसे छुपेगा? फिर भी हमसे शादी करने का इरादा है। शादी तो हमको अपने विजय से करनी है, कोई बाहुबली से नहीं। पर जया कहलाएंगे तो हम बाहुबली ही। दुनिया चाहे तुमको कुछ भी बुलाए, हम तो तुम्हें अपना विजय बुलाएंगे। तो शादी पक्की समझो? उसके लिए अभी थोड़ा समय लगेगा। अरे तुम हाँ कर दिए हो, अब तो हम जिंदगी भर इंतजार करने के लिए तैयार हैं। अरे अरे क्या कर रही हो, क्या कर रही हो यार, कोई देख लेगा। बाहुबलियों का डरते हो? एकदम बेशर्म होके आई हो दिल्ली से। दिन रात किसी ना किसी चिंता में डूबी रहती है। कहाँ से तबीयत आपकी ठीक होगी माँ? माँ मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि आप ज्यादा चिंता मत कीजिए। अरे तोहार ससुर तो हमरा खातिर खाली चिंते छोड़ गए बाड़े, तो हम का करें? हमें आप कुछ बताते भी तो नहीं है, दिन भर अपने आप में ही घुटती रहती है। अच्छा है मेघा आ रही है, हमारी बात तो आप मानते नहीं, कम से कम अपनी बेटी की तो मानेंगे। हम बेटी और पुतों में कोनो फर्क ना करी दुली, हमरा ले जैसे मेघा बारी वैसने तू बारी। तो फिर बताइए ना माँ आपको क्या परेशानी है, हम उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। दुल्हन श्रीकांत के दादी के नाम पे एगो कन्या विद्यालय बा, राम दुलारी कन्या विद्यालय। जब तक तोहार ददिया ससुर जिंदा रहस उहे देखभाल करत रहस उस कन्या विद्यालय के, बाद में तोहार ससुर भी कोनो कमी ना होके दलन स्कूल के। बाकी जब से विजय घर के काम धाम संभालन उनका ध्यान नहीं है स्कूल पर, सुननी हो कि स्कूल बंद होके के कगार पे आ गई बा। ये बात तो ठीक नहीं माँ, उस स्कूल से इस घर की इज्जत जुड़ी है, और फिर लड़की को पढ़ाना लिखाना तो बहुत अच्छी बात है। माँ हम विजय भाई साहब से बात करें? ना उकरा से बात करे की कोनो जरूरत नहीं की, ना जाने का बोले हो का समझे। चुप रहने से क्या होगा माँ, जो सच बात है वो तो बोलनी पड़ेगी, चाहे विजय भाई साहब को अच्छी लगे या बुरी, हम किसी के डर से मुंह पे ताला नहीं लगाएंगे। मुंह पे ताला लगावे के बात देखे दुल्हन, हम नहीं चाहत कि कोनो बात के बतंगड़ बनो। तू एक काम करा, अगला महीना के 7 तारीख के स्कूल के वार्षिक समारोह बा, वो स्कूल के प्रिंसिपल के फोन आयल रहे हमरा ले। अरे माँ ये तो बहुत अच्छी बात है, आपको जरूर जाना चाहिए। अरे अब हमरा से कहाँ हुई ये सब, तू तो देखते बारू कि हमारी तबीयत के का हाल बा, हम प्रिंसिपल साहब से बोल देता नहीं कि हमार दुल्हन जाई वार्षिक समारोह में। हाँ मैं माँ, हाँ मैं काहे एमी कौन बात बा, तू पढ़ल लिखल बाड़ू, हम बाबा के बुला के कह देता नहीं कि आज से स्कूल के काम धाम तू ही करबू। अरे घर में बैठल बाड़ू, बाहर निकलबू, काम धाम करबू तो मनो तो लागल रही। ठीक है माँ, जैसे आप ठीक समझे। खुश जान लो कि महाराजगंज में कोई ये समझ लेगा कि पूरा पावर उसके हाथ में है तो वो एक नंबर का गधा है, गधा। अरे क्या हो गया तुमको, आज तुम एकदम जोश में आइए गया। अरे सुनोगे तो होश उड़ जाएंगे, कहे थे ना
कि यहाँ कभी भी किसी का एक छत्तर राज नहीं रहने वाला, यहाँ का माटी ऐसा है। तो ऐसे बोल रहा है जैसे बब्बन लाल शमशान से उठ के वापस आ गया। ऐसा ही समझ लो, वो आदमी नहीं जिंदा भूते है एकदम। ये आप लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? रज्जन लाल का। कौन रज्जन लाल? बब्बन लाल का छोटका भाई। हाँ, बब्बन लाल का भाई, वो यहाँ आ रहा है बब्बन लाल का कुर्सी संभालने महाराजगंज। अरे तुमको कौन बोला बीबीसी? अरे बंसी आया था भोरे पान खाने, वही बताया कि मालकिन गई थी गांव रज्जन लाल को लाने। मर दे, वो नहीं आएगा साला। अरे दोनों भाई में एकदम 36 का आंकड़ा था, 36 का। अरे पूछो कहो, खून का रिश्ता है बेटा। हाँ। 36 का आंकड़ा कब 63 में बदल जाएगा कोई नहीं बता सकता है। मर्डर हुआ है भाई का, ये बात कैसे बर्दाश्त करेगा रज्जन लाल? अरे वो अगर महाराजगंज में आ गया ना तो महाराजगंज को एक नए आतंक का सामना करना पड़ेगा। अरे आदमी के भेष में वो राक्षस है, राक्षस। अरे राक्षस कहो या कुछ, पर अब विजयकांत का खैर नहीं, कुछ नहीं उखाड़ पाएगा विजयकांत का। अरे जब बब्बन लाल को घुलटाई तो देर नहीं लगा, तू गवार वो पहलवान किस खेत की मूली है जी, क्या है वो? ऐसा मत कहो बउआ, दिमाग का बहुत तेज है वो रज्जन लाल। दिन दहाड़े कोर्ट में घुस के मर्डर कर दिया, पुलिस घंटा आज तक एक गवाह नहीं खड़ा कर पाया। ऐसा ऐसा तो कितना केस पेंडिंग है उसके नाम से। आने तो दोस्त को, फिर देखना कैसा तांडव मचाता है महाराजगंज में। ये आपके चचिया ससुर हैं, इनके गोड़ लगी। खुश रहो। भैया के साथे दंगल देखेला कौन कौन गया था उस दिन? जी हम गए थे। तुम गए थे जी? और हम भी गए थे भैया। तू भी गया था? और तुम दोनों इधर आओ। जब भैया का मर्डर हुआ तब कहाँ था तुम लोग? कहाँ था तुम लोग? फ्रेंच फारसी बोल रहे हैं का कि नहीं बुझा रहा है? साला विजय गंतवा भैया के छाती पर गोली मार रहा था, अब तुम लोग नचनिया का पिछवाड़ा देख रहा था साला, हैं? पिछवाड़ा देख रहा था क्या रे? पिछवाड़ा देख रहा था साला? अबे एक एक के पिछवाड़े में गोली डालेंगे साले। इधर आ, तू क्या कर रहा था साले? हैं? निकम्मा सारा सब तुम लोग का वजह से हमारे भाई का जान गया साला, रज्जन लाल के बड़का भाई का जान गया साला। निकम्मा सारा गलती हो गया साला, हमारा भाई का जान चला गया साला। क्या कर रहा तुम लोग? जान मार देंगे साला, जान मार देंगे साले, जान मार देंगे। हमारा भाई का जान चला गया साला, हैं? चला रज्जन लाल नाम है हमारा, रज्जन लाल। कान खोल के सुन लो, आज के बाद अगर यहाँ रहना है तो कान दोनों खोल के रखना पड़ेगा, दोनों। बुझाया? देह चोरा काम चोर को हम एक मिनट बर्दाश्त नहीं करेंगे, बुझा? हाँ साला, साला भागा साला महादर्जात।
भौजी हमारे कोठरी के अनबा चला बतावता नहीं आई चले गनीमत समझो कि जूते का कीला आंख में नहीं चुभ गया नहीं तो आई अस्पताल में होते अभी तक चलो उठो जाओ हाथ मुंह धो लो हम किए होलत खोली वाला आ पुत्तन उठो पुत्तन जी अपने फ्यूचर के बारे में अब सोचना शुरू कर दीजिए क्या कह रहे हैं सुन और कह कहां पा रहे हैं हम अब तो हम बस देखेंगे मतलब मतलब ही कि बाप आ गया तुम सबका सबका बाप आ गया सब बच के रहियो बहुत बेइज्जती से है इस घर में इस घर के दामाद का इज्जत नहीं है इस घर में पर अब ये सब नहीं चलने वाला ये जो रज्जन लाल है ना बैंड बजाता रहेगा आपका बार बार लगातार पोम 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 विजय अखबार छोड़ो और हम जय खबर लाए से सुनो क्या खबर लाए हैं काका भौजाई अपने देवर को गांव से लेके आ गई है अपने सुहाग के मौत का बदला लेवे वास्ते बब्बन का छोटा भाई रज्जन लाल महाराजगंज में आ गया है मतलब बब्बन के घर में उधार के ताकत की जरूरत पड़ गई दुलारी पहले सांप को पोसेगी फिर उसको दूध पिलाएगी और फिर उसको बोलेगी कि जा शेषनाग बजकांत को डस गया नहीं विजय ये हंसने का बात नहीं है दुलारी का इरादा हमको बहुत खतरनाक लग रहा है अभी वो घवाइल नागिन बन गई है मौका मिलते ही डसेगी जरूर खासकर तुमको बहुत होशियार रहने का जरूरत है काका लड़ाई के मैदान में उतरा हुआ सिपाही हमेशा होशियार रहता है बाकी हम भी बेफिक्र नहीं है आप हमरा ओर से इत्मीनान रहिए काका बाकी एक और टेंशन है आप बैठे ना और कौन टेंशन बड़ बुजुर्ग दिखाई दे तो कर गोड़ छुके आशीर्वाद ले एको हमनी के रही कि भोरे उठते और राते सूते रोज अपन सास के गोड़ पड़त रहे हाँ सॉरी बुआ जी मैंने आपको देखा नहीं देखबू कैसे देखे चाहबू तब ना हम रख नहीं की बुझत कि देखियो कि अनदेखी करत बाड़ू तू बुआ जी आप ऐसा क्यों कह रही है मैं भला ऐसा क्यों करूंगी अपन मलिकाओ जतावे खातिर अब तू ही मलकिनी बन रहल बाड़ू ना ये घर के बुआ जी मैंने कहा ना कि मैंने आपको सचमुच में नहीं देखा और अगर फिर भी आपको बुरा लग रहा है तो मुझे माफ कर दीजिए बढ़िया बहुत बढ़िया पहले बेइज्जत करा फिर माफी मांग ला तू तो बहुत होशियार बाड़ू हमने के हाँ जाहिल गवार बुझा गई कौन कुल खानदान चाहिल बाड़ू तू हाँ अरे मातारी बाप को सिखाई ले रहे तब ना सास ससुर के कैसे मान सम्मान कर जला देखिए बुआ जी मैं आपसे माफी मांग रही हूँ आप बेकार में मेरे मायके वाले को बीच में मत घसीटिए कि ठीक बात नहीं है अच्छा तो अब तू हमरा के सिखाइबू कि का ठीक बा और का बेठी बा दिखा दे लो ना नैयर के चीचा दीदी जी कहाँ भेल कहे कितना आसमान सिर पर उठे ले बानी हम आसमान सिर पर उठे ले बानी कि तुहार पतो हाँ मातारी बाप तो कुछ नहीं है सिखैलस और तू कोर कसर पूरा कर दे लू अब माँ को क्यों बीच में घसीट रही है आपको जो कहना है मुझसे कहिए हाँ तो कबे करब तोहर सास से डर लागल बका ई तो बेटा के पीआर में अंधिया कर ली जो तोहार जैसन बदमिजाज लड़की के घर में घुसे देली अगर हमार पुतो हो गित ना तो हम चार लात मार देती कमर पे अबाई और छोटा बकरे के घर से बाहर निकाल देती इनफ इज इनफ माइंड योर लैंग्वेज अच्छा गाली दे तो तू हमरा के तू का देखत बड़ू साफ करो अरे दुल्हन समझा दे अपना पुताओ के अगर हमार माथ पर चढ़कर नाची
हमरा से बर्दाश्त ना होई, हाँ, कह देनी। हे ठाकुर जी, अबू तो कुछ बुद्धि दी इनका। का करे अलूहा बुआ जी, आप मुझसे रिश्ते में बड़ी हैं, इसलिए मैं आपकी बहुत इज्जत करती थी, लेकिन आज मुझे पता चला कि आप इज्जत के काबिल ही नहीं हैं। आप जब दूसरों की इज्जत करना नहीं जानते तो दूसरे आपकी इज्जत क्यों करें? आज तक आपने मुझे बहुत कुछ कह दिया और मैंने सुन भी लिया, लेकिन अब नहीं सुनूंगी। आइंदा अगर आपने मेरे माँ बाप के बारे में कुछ भी कहा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। तोहरा इतना हिम्मत कि हमार कमरा में आके हमरा से जमान लड़ावा? आइंदा अपनी गंदी जबान और हाथ काबू में रखना, समझिए आप? पिछली बार की तरह कोनो गड़बड़ ना होके के चाहिए। देखी उस सब गड़बड़ रौरा भाई ये काम नहीं हो, ये तनी सोच समझ के काम करित ना तो हाथ हल सिका ऐसे ही ना निकल जाए। अरे हम तो तीर्थ के घर में सेटिंग लगाई नहीं रानी, अब हम क्या जानते नहीं कि पूरा पलटन लेके आ जाएगी वहां पे। तू केकरा मारे जात बड़े कि तोरा बुझल ना रहे। अरे सब छोड़ा, आगे की बात करो। अरे सोचे कुछ नहीं कह दीदी, बस सीधा अटैक करे कबा और का। अरे पुतनवा तू बेवकूफी की बात मत कर, तू तो ऐसे बोलत आ रहा जैसे विजय कंतवा दरवाजा खोल के बैठा होई। अब बोली कि आवा हमरा के गोली मारा, इतना मूर्ख मत समझा ओकरा के, एक नंबर का कुत्ता बाऊ। तू जानता रहा कि बदला लेवे वाला बदला लेके रही, छोड़ी ना। और हम सुननी है कि आजकल बहुत पहरा में रहता हूँ, यही से प्लानिंग बहुत जरूरी बा। ठीक कहता रू भाऊजी, हम तो एक ही बात जानता है कि तू प्लान करके बता दो कि हमके कैसे का करे के बा, नहीं तो हम अपन प्लान खुदे बनाए। तू ठीक है कहता रहा रजन, शेर के शिकार होशियारी से करे के पड़ी। दीदी ते कैसन बात करता रही, शेर होके चाहे होशियार, हमारे के को सिद्धांत कि सीधे मांद में घुस जा और वहीं पर नरेटिव चिप खत्म। ए पुतान बेसी डिंग मत हाँ, इतना बड़का सुरमा रहले तो वही दिन विजय कंदुआ कहने सल्टा दे ले हैं, अब वह से बड़ बात गिरधरिया के प्रोग्राम में भैया के साथ तू कहना गई ले, हमारा तोरा करेक्टर पर शौक होता। मैंने माने ही कि घर के भेदी लंका ढाए। तू का कहे के चाहता रहा है? वे कल चाहता नहीं जो तू समझता रे, घर के भेदी रावण के मरवा दिलस, इहो केहू न कहू घर के भेदी होई, होई जरूर होई। हम पूछत नहीं तू हमेशा भैया के साथ रहत रहले, वही दिने कहे न गईले हैं, जरूर तोरा नियत में कोनो खोट होई। सुन तरह सुन के बात, हम उदिन सीता जी के कतक कहत नहीं कि ले चलो संगे ना, लेके गेले हमरा कहू कुछ आगे पीछे मालूम है नहीं, आ सीधे हमरा पे आरोप मार देना। चुप कर पुतन, बैठा। अरे तू लोग आपस में लड़बा तो दुश्मन से क्या लड़ी? अरे जे बात के खातिर हमें यहाँ जमा हो गई बानी वो बात के फैसला करा। देखा भौजी, जब हम यहाँ आ गई नी तो सारा जिम्मेदारी हमरा ऊपर आ गई, अब हम अपना हिसाब से सोच समझ के प्लान बनाई, तू हमरा पर भरोसा रख, फिक्र मत करो। हाँ बस एक काम करो, ई लड़क बुद्धि के हमरा से दूर रख, हमरा कोनो काम में एकर कोनो मदद ना चाहिए, बुझा गए? बस भौजी हम हवाई अड्डा जाते हैं। हवाई अड्डा? हम अमेरिका जाए के बाकी इंग्लैंड। घबरात कहे बड़े, जब हम यहाँ आ गए नी तो एक दिन इंग्लैंडो अमेरिका घूम आए, बुझा गए? अभी तो जाते अपना भतीजा के ले आवे। भतीजा? दीदी हमार भगीना हुआ था ऑस्ट्रेलिया से। हाँ उदया रहल बा ऑस्ट्रेलिया से, पढ़ लिख के साहेब बन के। पर दीदी इतना दिन बाद भगीना हमारा आवत परदेश से आते, हमारा के ना बताइली सा। अब आ जाई है तो मुलाकात होई भी करी ना, अब मरनी के घर में ढोल पिटाओ, तू अपना काम करो।
सब काम हमरा के करे दे मालकिन। अरे नारे, ये सब काम तो हम अपने हाथ से करे। ये काहे मालकिन, कोनो खास बात? अरे हमार बेटी नू मारल भी ऑस्ट्रेलिया से, योकरे कमरा हम अपन हाथ से कमरा के ऐसन सजावे के चाहत बानी जोकरा देखते ही अपन बचपन याद आ जाए। मतलब जैसे नू छोड़ गयी ठीक ऐसने? एकदम ऐसने। यही सब ओकरे खिलौना। ये देख ये बंदर, एक मंकी कहा जाला बुझले। ये कमरा ओकरा बहुत पसंद है, जब बच्चा रहे तबो और जब सयान भेल तबो ये कमरा में रहलू। यही खातिर एक एक चीज ढूंढ के सजावट बानी रहुआ। हाँ वो देख के कितना खुश होई ना, ओकर उहे चेहरा हमार आँख के सामने घूमता, गोल मटोल परी जैसन। अब बोली कितना मीठ, कितना दिन हो गए ओकरा ऑस्ट्रेलिया गई। अब तो वो और सयान हो गई होई है और सुंदर भी। बहुत सुंदर ब्याह हमार बेटी, एकदम गुड़िया जैसन। अरे पुतन भैया, अरे ने कहाँ दोपहर में बैठल बड़ा, हम कहाँ कहाँ तरह खोज के चले गए। का बात है पुतन भैया, इतना उदास कहाँ बैठल बड़ा। का बताए, जगह खतरा जान के बाजी लगा देनी, जगह सूते के बाद सुतनी और जागे के पहले जाग गईनी, जब वह दुत्कारे लगी तो क्या हाल हुई आदमी के। हमरा कुछ बुझाई ना भैया, तू ये केकरा बारे में कहता रहा। और केकरा, यह दीदिया, दीदी जिया जी के हम भगवान से ज़्यादा मननी, और आज घर के जरूरी बात दीदी हमरा के नीचे बताओ के चाह। ये क्या कहता रहा, मालकिन भला ऐसा कैसे कर सकता है। कर सकता रही ना, कर देले बाड़ी। आज हमारे भगिना होता ऑस्ट्रेलिया से, इकलौता भगिना, और दीदी इतना जरूरी बात हमरा के ना बताइल सी, और रजनमा गई एयरपोर्ट पे ले आवे खातिर। जानते बारिश कितना मूट बुद्धि के आदमी है साला। यो कोनो कहे वाला बात बा, छुटाल साढ़ है, पता ना मालकिन ओकरा काहे खाते गांव देहात से उठा के दी लेल बड़ी। खाली ले आइले नहीं खे, ओकर दिमागो चढ़ाओ तारी। घर में तो हमारा कोनो वैल्यू नहीं खे ओकरा सामने। का कहत रहा, ये तो बड़ी डेंजर बात बा। ये ना उ साला हमरा पर आरोप लगा होता कि जिया जी के मरवावे के साजिश में हम शामिल रहनी। हमरा तो बस एक के बात लगा था, बब्बन भैया के मरला के बाद सब कुछ गड़बड़ हो गई बा, केहू के अपना पर कंट्रोल ही नहीं खेर हो गए, बोले के कुछ चाहता बोलत कुछ बा। हमरा तो बुझाता सबके दिमाग के फ्यूज उड़ गई बा। अब देख ए भौजी, कहाँ बड़ू? अरे क्या था? अरे आवो आवो, देखो आ गए तेरा खानदान के चिराग। आवो कैसे हो गया मा? अब हम सबको छोड़ के कैसे चले? अंतिम दर्शन भी नहीं किए। सब खत्म हो गए, तेरा पापा हमरा के छोड़ के चल गए ले उदय। वो विजय कंतवा तेरा बापू जी के खत्म कर दिल, तोहर माई के विधवा बना दिल। अब तो आ गए ना, तो सब ठीक हो जाए। अरे भौजी का करता रू, हाँ तू अपने रोज है लगबू तो ये बेचारा क्या करी? हाँ परदेश शुरू है भाई। ए उदय क्या करता है भाई तुम? हाँ औरत का चरण हो रहा है, एक तो मूछ मुड़वा लिया है। अरे मरद बनो मरद, तुमको अपने बाप के हत्यारे से बदला लेना है, तुम यहाँ रोने धोने नहीं आया है, बुझाया? रजन ठीक कहता रे, तोरा के तोहर बाबूजी के खून का बदला लेवे के पड़ी उदय। रजन तोरा के ट्रेनिंग दी है, रजन उदय के इतना खूखार बना दे फेकरा की दहर से अमर कंतवा के खानदान के नींद उड़ जाए। बस बाबूजी तू देखत जा, हम एकरा के इतना खूखार बनाई, इतना खूखार कि विजय कंतवा के माद में घुस के ओकर मांस नोच के लिए आई। अब पूरा महाराजगंज जान जाए कि एकर बाप बब्बन लाल अगर शेर रहे तो सवा शेर बा, अपना बापों से दो कदम आगे। रजन चाचा एकदम ठीक कहता रे। ना भौजी
चाचा ना छोटका बाबूजी, हम एक छोटका बाबूजी हैं। चाचा तो हर एरा गेरा कहा था आजकल। उत्तन मामा बिंदा मामा कहाँ? वो गांव गया हुआ है। हाँ बस हो गया हो गया हो गया, चलो तुम रिश्तेदारी नहीं बने है क्या? जो काम करना है वो सोचो, अपने बाप के खून का बदला उत्तन बाद में मिलना, चलो। छोटका बाबूजी ठीक कहा था रे, अपना मकसद पूरा करो। चलो चलो अंदर चलो, ए चलो अंदर सामान लो अंदर। जानबूझकर तुमको खबर नहीं की, तुम्हारा फाइनल परीक्षा चल रहा था ना, हम लोग नहीं चाहते थे कि तुम्हारा रिजल्ट खराब। चलो रोना बंद करो। अरे हम सब है ना, भाभी है, दीदी है, दुल्हन है, हम है। चलो चलो भीतर चलो। और ये तुम्हारा बड़का भाई विजयकांत। पहुंचो। अरे नहीं नहीं, कितनी बड़ी हो गई है काका। मेरा सिर्फ एक भाई है, श्रीकांत। मेघा बिटिया मेघा।